हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा मस्त होने वाला है और कुछ अलग ही टाइप का होने वाला है। नाइस, ये स्केच वीडियो तो होगा ऑब्वियसली, मैं हर बार स्केच वीडियो बनाता हूँ तो स्केच तो ऑब्वियसली मैं डालूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको मेरे स्टूडियो की बहुत सी चीजें बताऊंगा, बहुत सी बातें बताऊंगा कि ये मैंने स्टूडियो क्यों बनाया, किस रीजन से बनाया चाहा, और ये स्टूडियो में आगे क्या क्या प्लान रहेगा मेरा, और ये स्टूडियो अभी तक कैसा दिख रहा है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर इतना कर देना, जितना करना है कर देना, मेरे को मतलब नहीं है, फोन तोड़ दो, जो मर्जी करना है करो, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। आई डोंट नो। हेलो एवरीवन, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। तो आपसे मैंने बोला था कि इस बार मैं आपको इसने स्टूडियो के बारे में बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा, पर हाँ क्वालिटी थोड़ी बढ़ के दिख रही होगी, ₹50 कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो आइए आगे का मैं आपको मेरा स्टूडियो वगैरह दिखाता हूँ, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, पसंद ना आया तो भी लाइक कर देना, जरूरी है लाइक करना, करना पड़ेगा। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये दोनों मेरे तबले रखे हुए हैं और ये मेरा ढोलक रखा हुआ है। हाँ, मैं म्यूजिक में भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, अभी इतना कुछ खास यूज नहीं हो पा रहा इस वजह से इनको रख रखा, लेकिन हाँ बहुत जल्द प्लान बन रहा है, इनके बारे में भी कुछ सोचा है। मेरा एक और चैनल है, अगर सब्सक्राइब नहीं करा हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके एक बार देखना जरूर। ये मेरे एक सॉफ्ट बॉक्स, इतना यूज में नहीं आता और ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे बैग्स वगैरह पड़े हैं कुछ मेरे, और ये मेरा एक मिरर है जहाँ पे मेडिसिन वगैरह रखी हुई है कुछ, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टूडियो का टूर कर रहा हूँ, आगे चलो। ये मेरा बेड है जहाँ पे मैं काम करते हूँ, कभी अगर थक जाता हूँ तो लेट जाता हूँ। इसमें कॉपी में ज्यादा कुछ लिखता नहीं हूँ, लेकिन हाँ लिखने में काम आई जाती है। ये ट्राइपॉड है, अभी ये थोड़ा सा कमजोर हो चुका है, पर क्या करें, हेल्प तो होती है कि आप देख सकते हैं। ये मेरी फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट पिक्चर, आई लव माय गुरुजी, दैट्स व्हाई आई पुट इट हियर। ये अलमीरा, इसमें कुछ कपड़े वपड़े रखे हैं जिनको मैं खोल के दिखाना पसंद नहीं करूँ। तो हाँ, बेसिकली सारी बकवास को साइड में रख के अब हम आते हैं हमारे स्टूडियो पे। ये कुछ नहीं, बस वही पुरानी आ रही, बस इन पे थोड़ी सी लाइटनिंग कर दी है। ये घड़ी है, यहाँ पे हमारी पार्टी हो रही है। इंटली ये आर्ट वर्क है जिसपे मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, इस पे रिफ्लेक्शन आ रहा है ऊपर वाली लाइट का, देख सकते हो। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये वाली ड्राइंग इसमें वर्क कर रहा हूँ, ज्यादा कुछ खास तो है नहीं, पर अभी मेरे को इसमें बहुत सी चीजें करनी है। ये एक सस्ता सा लैम्प है जिसे मैं यूज करता हूँ, एंड दिस माय लव, मुझे इन चीजों से बहुत ज्यादा प्यार है। ये मेरी पेंसिल्स हैं जिनको अभी मैं यूज करने के लिए रख रखा है, देखूंगा अगर यूज करनी होगी तो। ये लैपटॉप है जिसमें मैं एडिटिंग वगैरह करता हूँ, मोस्टली मैं इसमें ही करता हूँ, इसमें कम प्रीफर करता हूँ क्योंकि इसमें मेरे को कुछ इश्यू आते हैं इसमें, इसकी स्पेस की वजह से। इसमें मैं फोटोशॉप वगैरह एडिटिंग कर लेता हूँ। मेरा फेवरेट वेनम, आई लव द वेनम। इसमें कुछ ज्यादा खास तो है नहीं, ये मेरे वीडियोस जो एडिट करता हूँ वो रखे हुए हैं। और ये मेरा एक लविंग सॉफ्ट बॉक्स, ये गलती से किसी ने फाड़ दिया था तो मेरे को उस पर बहुत गुस्सा आया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर वीडियो देख रहा हो तो प्लीज गुस्से से बचना। ये मेरा एक सस्ता सा रेडियो चेक का माइक है, ये मेरा भल्लू और ये मेरा बल्लू, आई लव दी। इसकी एक आंख शायद तक किसी ने निकाल दी और नाक भी नहीं है, बेचारा अधमरा सा हो गया, क्या कर सकते हैं। मैं कोई नॉर्मल ज्यादा हाई फाई कीबोर्ड यूज नहीं करता अभी तो, ये SCL का नॉर्मल कीबोर्ड है, पर हाँ इसकी कीज, इसके फंक्शन कीज मेरे को बहुत पसंद आते हैं। और ये जी हाँ, छोटा सा मिरर किसी रीजन से रख रखा है, अभी तक मेरे को नहीं पता रीजन, बस रख रखा है नहीं। ये नॉर्मल माउस है सर्कल का जिसको मैं यूज करता हूँ, ऐसे मेरे पास बहुत सारे माउस हैं, माउस तो बहुत सारे हैं HP के भी, पर ये बहुत ज्यादा लाइट है इसलिए मैं इसको प्रीफर करता हूँ। और ये जो देख सकते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर कैमरा है, ये सॉफ्टवेयर से चलता है तो ज्यादा यूज नहीं करता इसको, लेकिन हाँ ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अभी तो इतना ही कुछ है, ये लैंप ऑफ कैसे हो गया यार। ये मेरा सस्ता फोन, ये मेरा उससे अच्छा फोन, इसके अंदर तो रिमोट है शायद तक, इससे मैं लाइट्स वगैरह को कंट्रोल कर सकता हूँ, ऑफ कर देते हैं, ऑन करना पड़ेगा तो डिम भी कर सकता हूँ मैं इसको, ऑन ही रहने देते हैं अभी क्योंकि काम आ रही है, वीडियो बना रहा हूँ तो बस इतना ही कुछ है। और नीचे ये कालीन बिछा है ताकि अच्छा लगे, मतलब थोड़ा हाँ। CPU भी बता ही देता हूँ, मेरा PC ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं अभी तो, इंटेल का चेंज करने की सोच रहा हूँ, उसको अपग्रेड करूँगा, बस इतना ही कुछ है मेरे सेटअप में, पर जो भी है आई लव द सेटअप। हाँ मैं चेयर भी चेंज करने की सोच रहा हूँ बहुत जल्दी, थैंक यू, अगर आपकी दुआएं रही तो जरूर चेयर भी चेंज हो जाएगी, बाकी क्या है बताएं, जन्नत से कम नहीं लगता मुझे मेरा सेटअप।
अभी था यही वीडियो था। अगर अच्छा लगा तो स्टूडियो मेरा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आगे स्केच वाला वीडियो है तो जरूर देख के जाना यार प्लीज। बहुत मेहनत लगती है स्केच बनाने में, मेरे 3-4 घंटे तो उसमें चले जाते हैं, और मेरे को लिटरली में बहुत अच्छा लगता है ये बनाना, स्केचिंग करना, अपना टाइम अपने वर्क को देना, एडिटिंग में लगना बहुत पसंद है मेरे को। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो बहुत आगे जाएंगे, बहुत तबाही मचाएंगे, आने वाले वीडियोस में और ज्यादा क्वालिटी इंक्रीज करेंगे। तो फिलहाल अभी मैं कुछ एडिटिंग करूंगा और ये स्केच है इसको डन करना है, क्योंकि इस वीडियो में यही स्केच आने वाला है, आगे आप देख लेंगे। इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग करनी है, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ऑर्डर करे तो अभी तक आए नहीं है, वैसे इसमें डिटेलिंग के लिए वर्क रुका पड़ा है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं फ्री हैंड आउटलाइन में अपने स्केचेस की कैसे ड्रॉ करता हूँ वो बता रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को देखिए पूरा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना। तो बेसिकली आपको कुछ ज्यादा नहीं करना होता, जो रेफरेंस इमेज होती है उसको ऑब्जर्व करें ढंग से, और फिर मैं जो बिगनर्स होते हैं वो बेसिकली इतनी एक्यूरेट ड्रॉइंग स्केच नहीं बना पाते। मैं भी मतलब 99% तो बना ही लेता हूँ, पर इतनी एक्यूरेट नहीं बना पाता, तो बहुत सी बार मैं ग्रिड मेथड का यूज कर लेता हूँ, पर ये मैं फ्री हैंड से बना के ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी तक मैंने इसका आईज फेस नोज वगैरह ड्रॉ कर लिया, ये अभी तक मैंने फ्री हैंड करा है। और एक ट्रिक और होती है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर हो सकेगा तो बताने की कोशिश करूंगा, और कोई वीडियो में इससे रिलेटेड अपलोड कर दूंगा। तो आगे आप इस वीडियो को देखिए और समझिए जैसा कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। थैंक यू।